दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया की ज्यादातर ट्रेन्स का कलर ब्लू यानी कि नीला ही क्यों होता है? और क्या आपको ये भी पता है कि दुनिया की वो कौन सी स्कूल है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे एक साथ पढ़ते हैं? और तो और एक ऐसा गुलाब का फूल जिसकी कीमत जानकर आप जरूर हैरान हो जाओगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना ताकि आप भी कुछ ये कह सको। मजा आया। नंबर 8 दोस्तों, ये दुनिया जितनी बड़ी है उतने ही इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, और उन्हीं में से एक जीव है बम्बलबी बैट, जो कि दुनिया का सबसे छोटा मैमल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बम्बलबी बैट का वजन लगभग 50 ग्राम से 70 ग्राम तक के बीच का होता है, और इनके विंग्स की चौड़ाई 5.1 इंचेस से 5.7 इंचेस के बीच में होती है। और वही बात करें इसके सर से लेकर पैर तक की लंबाई की, तो 1.14 इंचेस से 1.29 इंचेस के बीच में इनकी लंबाई होती है, जिसके चलते इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शॉर्टेस्ट मैमल के नाम से दर्ज है। नंबर 7 दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट होटल कौन सा है और कितना पुराना है और कहां पर है? तो दोस्तों इस दुनिया का सबसे पुराने होटल का नाम है निशियाना ओनसेन कियन कान। ये होटल जापान के यमन आसी में स्थित है। इस होटल को फुजीवारा महिंतो ने 705 एडी में स्थापित किया था, और अब तक इस होटल को फुजीवारा महिंतो की 52 जनरेशन चलाती आ रही है, जिसके चलते इस होटल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ओल्डेस्ट होटल के नाम से दर्ज है। नंबर 6 क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना स्कूल कौन सा है और वो कौन से देश में है? पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना स्कूल 1904 एडी में स्थापित किया था, और उस स्कूल का नाम है सीसी हाई स्कूल, जो कि चाइना में है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्कूल जितना पुराना है उसके अंदर उतनी ही पुरानी फैसिलिटीज होगी, तो आप गलत हो। दोस्तों इस स्कूल के अंदर वो सारी फैसिलिटी है जो कि आज के मॉडर्न स्कूल में आपको देखने को मिलती है। नंबर 5 दोस्तों, वेम्बली स्टेडियम जो कि लंदन के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से एक है। अब इस स्टेडियम की और एक खास बात ये भी है कि स्टेडियम में 2618 टॉयलेट्स बने हैं, जो कि किसी भी बाहर की लोकेशन में एक साथ सबसे ज्यादा टॉयलेट्स बनाने का रिकॉर्ड है। नंबर 4 मॉस्क्वीटो दोस्तों, मच्छर जब काटता है तो इसका निशान किस तरीके से होता है ये तो आपने पिछली वाली वीडियोस में देखा है। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखना। तो दोस्तों एक नर मच्छर सिर्फ 10 दिनों तक ही जीवित रहते हैं, लेकिन वही मादा मच्छर की बात की जाए तो ये नर मच्छर से 40 से 50 दिनों तक ज्यादा जीती है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया की ज्यादातर ट्रेन्स का कलर नीला यानी कि ब्लू क्यों होता है? दरअसल दोस्तों 1990 से पहले इंडिया की सभी ट्रेन्स का कलर रेड हुआ करता था, और उन सभी ट्रेन्स में वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ करता था। लेकिन कुछ सालों बाद में एक बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम आया जिसका नाम एयर ब्रेकिंग सिस्टम था, और तभी से सभी ट्रेन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने यह सिस्टम लगाना शुरू कर दिया, और जिस ट्रेन में यह सिस्टम लगना शुरू हुआ उस ट्रेन का कलर रेड से ब्लू कर दिया गया, और धीरे धीरे सभी ट्रेन्स का कलर रेड से ब्लू कर दिया गया ताकि वैक्यूम सिस्टम के लगाने में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सभी ट्रेन्स का कलर नीला ही होता है। लेकिन कुछ ट्रेन जैसे राजधानी का कलर रेड होता है, पर इसके अंदर वो नया वाला एयर ब्रेकिंग सिस्टम ही लगा होता है। नंबर 2 दोस्तों, आपने 10 रुपए 20 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तक का एक गुलाब का फूल खरीदा होगा, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी गुलाब का फूल है जिसके एक फूल की कीमत लगभग 90 करोड़ रुपए है, जिसका नाम जूलियट रोज है, और इस फूल को 2006 में डेविड ऑस्टिन ने अलग अलग फूलों को मिलाकर एक नई किस्म का फूल तैयार किया। नंबर 1 सिटी मोंटेरी स्कूल, ये स्कूल दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल है जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है, जिसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 55,000 से भी ज्यादा है, और इस स्कूल में कुल 18 कैंपस और 4500 से भी ज्यादा लोगों का कुल स्टाफ है, जिसके चलते इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। सो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच किया है, और अगर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।